कन्नौज नगर के मुख्य बाजार स्थित गिरिराज कॉम्प्लेक्स में चंद्रमोहन वर्मा उर्फ चंदू सोनी की दुकान कावेरी ज्वेलर्स में शटर का ताला तोड़कर बोलेरो से आए अज्ञात बदमाशों ने सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। पूरी वारदात पास ही कपड़े की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे तथा चंदू सोनी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चंद्रमोहन वर्मा के भाई धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक चोरी की वारदात सुबह करीब 5 बजे के लगभग हुई। घटना की जानकारी मिलते ही धर्मेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तथा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि चोरी में सोने एवं चांदी के जेवरात जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपये है, जो चोर उड़ा ले गए। घटना के बाद से ही पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आपकी दुकान कहाँ पे है और क्या घटनाक्रम हुआ जरा बताएं? गिरिराज कॉम्प्लेक्स में है, एमजी रोड पर, राजबाड़ा चौराहे। क्या हुआ? ये सुबह घर से आए, हमें शंकरलालजी वर्मा आते हैं हमारे यहाँ, उन्होंने हमें सूचना दी सुबह 6 बजे कि आपके शटर खुली है दुकान की। हमें आया देखा उनके साथ आके, तो शटर खुली थी। फिर मैंने मेरे भैया महेश भैया को बुलाया, फिर हमने देखा सबने, फिर थाने पर सूचना करी। थाने से 15-20 मिनट बाद साहब आए, फिर उन्होंने देखे, जब मैडम जी आए और वो। अच्छा, क्या क्या सामान गया और कितना गया आपका यहाँ पे? तो ये चांदी के बिछिया के डब्बे उन गए हैं, अंगूठे के डब्बे गए हैं, सोने के लोंग गए, सोने की बालियाँ हैं, ये सब गया है। कुल कितनी रकम होगी करी? सर यही 3-1 लाख। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।